दोस्तों, एक ऐसा शहर जहाँ पर पल भर में मौसम बदल जाता है, एक ऐसा शहर जो अपनी खूबसूरत लड़कियों के लिए जाना जाता है, एक ऐसा शहर जो कि कहा जाता है फुटबॉल का मक्का, एक ऐसा शहर जहाँ पर है दुनिया की सबसे पुरानी लाइब्रेरी, एक ऐसा शहर जहाँ आप खो जाना चाहेंगे। दोस्तों, इस शहर ने दुनिया को बहुत सारी सौगातें दी हैं। इस शहर को लेस्बियंस का स्वर्ग कह सकते हैं, क्योंकि लेस्बियंस के लिए यहाँ पर एक फेस्टिवल डेडिकेटेड है, जहाँ पर दुनिया भर से लेस्बियंस आते हैं और इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते हैं और करते हैं खूब सारे मजे। तभी तो कहा जाता है कि इसे शहर में वो सब कुछ मिलता है जो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं एक बेहद ही खास शहर की सैर पर। नाम है मैनचेस्टर, जो कि है इंग्लैंड का बेहद ही खूबसूरत शहर। ये यात्रा हमारी है मैनचेस्टर के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेक्स एक्सप्लोर टीवी पर। तो चलिए चलते हैं एक्सप्लोर करने मैनचेस्टर को। दोस्तों, मैनचेस्टर को 1853 में शहर का दर्जा मिला। ये शहर इंग्लैंड का एक बेहद ही खूबसूरत शहर है। दोस्तों, ये शहर ग्रेटर मैनचेस्टर शहरी क्षेत्र के मध्य में है। मैनचेस्टर शहर का टोटल एरिया करीब 115.6 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, मैनचेस्टर इंग्लैंड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है और इसे अक्सर उत्तर की राजधानी भी कहा जाता है। शहर के पास से होकर इरवेल नदी, मर्सी और मेडलॉक नदी बहती है। इसके उत्तर और पूर्व में पेनिन पहाड़ियां हैं, यानी प्रकृति ने इसे बहुत ही खूबसूरती से डिजाइन किया है, जबकि पश्चिम और दक्षिण की ओर फ्लैट मैदान है। यहाँ ठंडी सर्दी और हल्की गर्मी होती है, मौसम चुटकी में बदलता है। मैनचेस्टर एक जीवन सांस्कृतिक केंद्र है, यहाँ पर कई त्योहार मनाए जाते हैं। दोस्तों, ये जगह अपने बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए भी जानी जाती है और फेस्टिवल्स के लिए भी। आपको पता है, यहाँ पर एक इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसमें वर्ल्ड से फेमस कलाकार पहुँचते हैं। इसमें थिएटर्स, म्यूजिक, डांस और विजुअल आर्ट्स के बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। साथ ही यहाँ पर चाइना टाउन न्यू ईयर सेलिब्रेशन भी होता है। ये न्यू ईयर सेलिब्रेशन यूरोप के दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सेलिब्रेशन कहलाता है और वर्ल्ड से यहाँ पर लोग न्यू ईयर मनाने आते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही खास चीज होती है, आपको पता है, यहाँ पर LGBTQ+ इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, जी हाँ, लेस्बियंस के लिए, जिसमें हजारों लोग हिस्सा लेते हैं, परेड करते हैं, म्यूजिक और पार्टी करते हैं और बहुत ही खास खास चीजें होती हैं इस पूरे फंक्शन में। दोस्तों, शायद ही आपने इस तरह के किसी भी फेस्टिवल के बारे में पहले कभी सुना हो, लेकिन LGBTQ यानी कि लेस्बियंस के लिए यहाँ पर ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है। अब आप सोच लीजिए कि लेस्बियन के लिए ये शहर किसी स्वर्ग से कम नहीं है, जहाँ उन्हें फुल आजादी मिलती है। और ये शहर कम नहीं है फुटबॉल में भी। फुटबॉल का मक्का कहा जाता है मैनचेस्टर को। जी हाँ, बड़े फुटबॉल क्लब्स का घर है ये। मैनचेस्टर यूनाइटेड और मैनचेस्टर सिटी, इन दोनों क्लब्स की फुटबॉल की दुनिया में धाक चलती है और बहुत ही फेमस क्लब है ये। इसी के साथ दोस्तों, दुनिया की सबसे पुरानी पब्लिक लाइब्रेरी आपको यहीं देखने को मिलेगी। इस लाइब्रेरी का नाम है चैथम्स। 1653 में इसे स्थापित किया गया। इसे दुनिया की सबसे पुरानी लाइब्रेरी के रूप में जाना गया। यहाँ आपको दुर्लभ और ऐतिहासिक पुस्तकों का एक लंबा चौड़ा संग्रह मिलेगा। दिन से रात और रात से सुबह कब हो जाएगी किताबों के बीच पता ही नहीं चलेगा। इसी के साथ कहा जाता है कि मैनचेस्टर में मौसम पलक झपकते ही बदल जाता है। अगर आप मैनचेस्टर में हैं तो आपको कभी भी मौसम का अंदाजा नहीं हो पाएगा। अगर आपको इस समय का मौसम पसंद नहीं आ रहा तो डोंट वरी, पल भर में ही मौसम चेंज हो जाएगा। कभी बारिश तो कभी धूप तो कभी ठंड तो कभी छांव, यहाँ पर सब कुछ बहुत जल्दी बदलता है। इसीलिए तो एक जुमला भी है मैनचेस्टर को लेकर, इफ यू डोंट लाइक द वेदर जस्ट वेट अ मिनट और वेदर चेंज। मैजिक जैसा लगता है लेकिन सच है। इसी के साथ दोस्तों, मैनचेस्टर म्यूजिक की दुनिया में भी एक खास अहमियत रखता है। मैनचेस्टर से कई वर्ल्ड फेमस बैंड्स और म्यूजिकल आर्टिस्ट हुए हैं, जैसे कि ओसिस, द स्मिथ, द स्टोन रोजेस। यहाँ का म्यूजिकल कल्चर बहुत ही इफेक्टिव है और म्यूजिक लवर के लिए ये जगह स्वर्ग से कम नहीं है। अगर आप संगीत से प्यार करते हैं तो आपको यहाँ आना चाहिए। दोस्तों, मैनचेस्टर में दुनिया का पहला रेलवे स्टेशन है, जो 1824 में दुनिया का पहला इंटरसिटी रेलवे स्टेशन बना। लिवरपूल रोड स्टेशन यहाँ पर खोला गया और यह स्टेशन अब एक म्यूजियम बन गया है, जो समय की इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना पेश करता है। उस समय जब लोग इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ था जानने के लिए।
इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर है एक चाइना टाउन। चाइना टाउन यूरोप में दूसरा सबसे बड़ा ऐसा क्षेत्र है जहाँ आप बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हैं, जहाँ आप चीनी सभ्यता और संस्कृति को देख सकते हैं, उनके कुजींस टेस्ट कर सकते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जान सकते हैं। सीरियसली दोस्तों ये देखने लायक जगह है। इसी के साथ यहाँ पर आपको दिखेंगी खूबसूरत लड़कियाँ जो आपके इस सफर को और भी खूबसूरत बना देंगी। ब्यूटीफुल कंट्री और ब्यूटीफुल उसकी सिटी, सीरियसली यहाँ आना बनता है। यहाँ पर वर्ल्ड से लोग आते हैं इस जगह को एक्सप्लोर करने। कहाँ कहाँ जाते हैं चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों आप जा सकते हैं जॉन रायलैंड्स लाइब्रेरी। मैनचेस्टर में जॉन रायलैंड्स लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है जिसे आप मिस नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको काफी पुरानी किताबें और पांडुलिपियां मिल जाएंगी। लाइब्रेरी शानदार वास्तुकला का भी दावा करती है। लगभग 10 सालों के निर्माण के बाद लाइब्रेरी को 1900 में जनता के लिए खोला गया। लाइब्रेरी के संग्रह में न्यू टेस्टामेंट के सबसे पुराने अंशों के साथ इसे मध्ययुगीन पांडुलिपियां भी शामिल की गई। दोस्तों ये वर्ल्ड की एक धरोहर जैसी लगती है। अगर आप किताबों से प्यार करते हैं तो यहाँ आपको जरूर आना चाहिए। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर आना मस्ट है। इसी के साथ दोस्तों अगर आपको फुटबॉल पसंद है और अगर नहीं भी पसंद है तो भी आपको ओल्ड ट्रैफर्ड जरूर आना चाहिए। मैनचेस्टर यूनाइटेड दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय फुटबॉल टीमों में से एक है जो ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम के महत्व को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। टीम के मेंबर्स ने स्टेडियम को थिएटर ऑफ ड्रीम्स का नाम दिया है। हो सकता है आपको यहाँ फुटबॉल का खेल देखने का मौका मिल जाए, लेकिन ये अपने पुराने म्यूजियम की वजह से घूमने और देखने लायक जगह है। इस टूर में करीब 80 मिनट लगेंगे, लेकिन जो एक्सपीरियंस आप यहाँ से लेकर जाएंगे ना वो सीरियसली आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ आइए, बेशक खेल ना देखिए लेकिन इसको एक्सप्लोर जरूर कीजिए। दोस्तों ये है कैसलफील्ड अर्बन हेरिटेज पार्क। मैनचेस्टर शहर के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित ये एक संरक्षण क्षेत्र है। कैसलफील्ड अर्बन हेरिटेज पार्क व्यस्त और चहल पहल वाली शहर की सड़कों से दूर एक शांतिपूर्ण जगह। आपको ये एक मामूशियम नामक एक रोमन किले जैसा दिखेगा। ये जगह द व्याव के नाम से जानी जाती है, एक अट्रैक्टिव पॉइंट है और यहाँ पर कई सारे पब्स भी हैं। कई तरह की बियर के साथ साथ यहाँ कुछ डिलीशियस फूड भी आप टेस्ट कर सकते हैं। आप देख ही रहे हैं यहाँ कितने मजे से लोग खाना खा रहे हैं। दोस्तों ये है मैनचेस्टर आर्ट गैलरी। अगर आप आर्ट कल्चर और ट्रेडिशन से प्यार करते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ आइए। मोस्ले स्ट्रीट पर स्थित ये एक बेहतरीन आर्ट गैलरी है जिसमें 25,000 से ज्यादा आइटम आपको दिखेंगे। मैनचेस्टर आर्ट गैलरी दुनिया की सबसे खूबसूरत आर्ट गैलरीज में से एक है। ये आर्ट गैलरी उन लोगों को भी सुकून और मजेदार अनुभव देती है जो कला से प्यार करते हैं और उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं। 1824 में से बनाया गया और मैनचेस्टर आर्ट गैलरी में हर कोई जा सकता है, यहाँ पे कोई बार नहीं है। इसी के साथ दोस्तों दिस इज मैनचेस्टर टाउन हॉल। 1877 में निर्मित मैनचेस्टर टाउन हॉल एक विक्टोरियन गॉथिक संरचना है जो मैनचेस्टर के नगरपालिका भवन के रूप में काम करती है। इस इमारत में कार्यालय और कमरे हैं जो इस शानदार शहर के इतिहास को दिखाते हैं। यहाँ एक मूर्तिकला हॉल भी है जो कि काफी प्रसिद्ध हस्तियों को प्रदर्शित करता है। आप यहाँ पर आइए और बार बार आना चाहेंगे। अच्छे कैफेज हैं और बेहतरीन ड्रिंक्स जो आप इंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों दिस इज इम्पीरियल वॉर म्यूजियम। इम्पीरियल वॉर म्यूजियम नॉर्थ इम्पीरियल वॉर म्यूजियम की 5 शाखाओं में से एक है जो 1914 से ब्रिटेन द्वारा भाग लिए गए बहुत सारे स्ट्रगल्स को दिखाता है। इस संग्रहालय में लगभग 1400 ऐतिहासिक दस्तावेज हैं और बहुत सारे सामान। इनमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों द्वारा इस्तेमाल की गई पहली बंदूक भी है। इसी के साथ बहुत सारा कलाकृतियां और बहुत सारी वस्तुएं यहाँ पर संरक्षित करके रखी गई हैं। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर है रॉयल एक्सचेंज थिएटर। रॉयल एक्सचेंज थिएटर मैनचेस्टर शहर के केंद्र में है और सेकंड लेवल की एक बेहतरीन इमारत है जो अपने अद्भुत मंच लेआउट के लिए जानी जाती है। इसी के साथ यहाँ पर आना मस्ट है। दोस्तों ये है एफ्लेक्स। एफ्लेक्स एक मॉल है या फिर आप इसे इनडोर मार्केट भी कह सकते हैं जो 4 मंजिलों में बनी हुई है। इसमें कई छोटी और बड़ी दुकानें हैं, बहुत सारे शॉपिंग सेंटर्स हैं। इसी के साथ बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो आपको यहाँ मिलेंगे। अगर आप यहाँ आकर अपने नियर एंड डियर के लिए कुछ खास लेना चाहते हैं तो ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए। आई होप दोस्तों आपको मैनचेस्टर और इसकी खूबसूरती पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।